हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सभी लोग। सो भाई, आज अमेजोन के ऊपर मैंने एक तगड़ा सा फोन ढूंढा, वो है टेक्नो स्पार्क 70। तो आज मेरे हाथ के अंदर है भाई वही फोन। इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये टेक्नो ने कैसा स्मार्टफोन निकाला। और ये मेरा पहला स्मार्टफोन है टेक्नो की तरफ से जो कि मैं आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मैं भी यूज़ करूँगा, देखूंगा कैसा भाई बनाते हैं। नाम काफ़ी सुना है, काफ़ी ज़्यादा बार देखा है मैंने, लेकिन कभी चला के नहीं देखा। उल्टा रख दिया, नहीं ठीक है। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन है, 6000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, 70s का नाम है। इसकी पहली सेल के ऊपर आपको ये फ़ोन मिल जाएगा करीब करीब 8000 रुपये का। तो भाई 8000 के अंदर क्या ये बेस्ट डील है या नहीं, वो चेक करते हैं। सामने की तरफ में बॉक्स के अंदर आपको ऑरेंज कलर का पैकेजिंग मिल जाती है। पीछे की साइड में 48 MP का इसके अंदर मेन कैमरा है। तो कैमरा के बारे में यार इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि कैमरा काफी इंटरेस्टिंग है इसका। तो फटाफट से पहले तो इसे ओपन कर लेते हैं एंड जल्दी से जल्दी सेटअप करके आप लोगों को मिलता हूं। सब बारी भाई ढक्कन खोलने की एंड ये रहा हमारा टेक्नो स्पार्क 70। काफी इंटरेस्टिंग कलर के अंदर है एंड ये कुछ ब्लूइश कलर है, काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लू कलर जो मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको दो कलर और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा कलर है, जैसे देख सकते हो। पीछे साइड में यहाँ पे दो कैमराज हैं, बट दिखाया गया है 3 कैमरा का सेटअप और ये नकली कैमरा है। नीचे की साइड में आपको 10 वॉट्स का चार्जर मिल जाता है और ये 6000 mAh की बैटरी चार्ज करने में थोड़ा समय लेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमारे को माइक्रो यूएसबी तो ये थोड़ा वियर्ड था। इसमें माइक्रो यूएसबी वाली हमारे को डेटा केबल मिल रही है, सही सा क्लियर केस मिलता है। ये काफी हार्ड वाला है, सिलिकन वाला नहीं है। सो भाई फोन जो है बूटअप हो गया, इसके अंदर हाई ओएस मिलता है हमारे को। अब यहाँ पे भाई जो मेजर चीज है इस फोन की, वो है कैमरा। इस प्राइस रेंज के अंदर 48 MP का जो कैमरा इसमें लगा है, उसकी थोड़ी चेकिंग करते हैं और आप लोगों को फोटो सैंपल दिखाता हूँ। सो भाई इसका कैमरा मैंने अभी टेस्ट आउट करा बाहर जाके, मस्त एकदम रोशनी के अंदर और इंडोर भी। तो कैमरा से एक चीज मैं बोलूंगा, 48 MP की जो फोटोज आ रही है ना इस कैमरा से, बहुत ही ज्यादा मेरे को अच्छी लगी। एंड जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही लगी, मतलब इंडोर्स के लिए। एंड जो डायनेमिक रेंज अगर मैं बाहर की बोलूँ तो थोड़ी सी वहाँ पे ये हल्का सा वो कर देता है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू शायद फिक्स हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। बट ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, डिटेल्स काफ़ी तगड़ी है इस फोटोज़ के अंदर। एंड जो एक कहते हैं ना नेचुरल टोन है, वो सही मेंटेन रखता है। साथ साथ पीछे वाले कैमरास के अंदर आपको और भी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे AI कैम मिलता है आपको, तो ऑटोमेटिकली वो सीन एडजस्ट कर लेता है कि प्लांट है कैसा है, HDR है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो काफ़ी सारी सही चीज़ें हैं, मतलब जो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है भाई इस प्राइस रेंज के फोन के अंदर, वो सब मेरे को इस फोन में मिल रहा है कैमरा के अकॉर्डिंगली, और कैमरा इवन अच्छे ही है। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो भाई इसके नीचे हमारे को हेडफोन जैक भी मिल रहा है। एंड इसमें इंटरेस्टिंग फीचर पता है क्या, एक वीडियो बोके है एक मोड इसके अंदर, जिससे कि आप लोग उसे ऑन कर सकते हो वीडियो के अंदर और बोके क्रिएट करता है बैकग्राउंड के अंदर। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। देन यहाँ पे यार ये जो 6.52 इंचेस की IPS डिस्प्ले, ये भी काफी ज्यादा मुझे ब्राइट लगी। एंड इवन मैं आउटडोर यूज करता हूँ, मेरे को काफी ज्यादा सही लगी, मतलब डिस्प्ले इस रेंज के अंदर 720p ही मिलती है, मतलब ये इस प्राइस रेंज के अंदर डिसेंट है और काफी सही है। डिजाइन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पीछे बहुत बड़ा यहाँ पे स्पार्क लिखा हुआ है। एंड जो आजकल जिस तरीके के फोन ज्यादातर आ रहे हैं ना इसी ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं, एंड एक अच्छा सा टेक्सचर वाली फील आती है पीछे कुछ टच करते हैं जब, जैसे फोन काफी ज्यादा मजबूत सा। तो भाई मैंने अभी इसके अंदर एक वीडियो प्ले करी और मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर जो स्पीकर है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की साइड में है एयर पीस के अंदर। तो इसका जो मेन स्पीकर है वो भी यहीं है इधर ऊपर की साइड में, और नीचे वीचे कोई स्पीकर नहीं है। तो मुझे पहले तो लगा कि इसमें डुअल स्पीकर है क्योंकि ऊपर से आवाज आई, बट ये एक सिंगल स्पीकर और इसकी कुछ आवाज इस तरीके की है। देन भाई आ जाते हैं अब मेजर चीज के ऊपर, वो है भाई इस फोन के अंदर जो परफॉर्मेंस मिलती है वो किससे पावर्ड है। तो ये मीडियाटेक का हीलियो G35 के साथ आता है, और ये बेसिकली ये जो प्रोसेसर है ना ये ज्यादातर इसी सेगमेंट के फोनों के अंदर लगाया जाता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स से लो सेटिंग्स पे चल जाती है। अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो इस पर कर सकते हो, बट ऐसे हार्डकोर गेमिंग नहीं हो सकती। बट आप फोन स्नैपियर है, मतलब फोटो क्लिक करने में भी काफी ज्यादा टाइम नहीं लगाता प्रोसेस करने में। बाकी मैंने यार ये जो हाई ओएस इनका चला के देखा, काफी डिसेंट सा काफी नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है, बट दो तीन चीजें हैं जो इसके अंदर मेरे को लगी जो मैंने भाई ब्रांड को बोले ठीक करने के लिए, हो सकती है अगर आने वाले टाइम के अंदर तो कर सकें। लगी इसके अंदर आपको थोड़े से एप्लीकेशन मिल जाते हैं ब्लोटवेयर टाइप्स, तो वो सब हट जाएगा तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। बाकी काफी ज्यादा सही है मतलब सॉफ्टवेयर तो, एंड फास्ट भी है, इवन कि मेरे को ऐसा नहीं लगा कि स्लो है सॉफ्टवेयर, काफी सही लगा। देन भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस फोन में लगा रखा है, तो ये भी सही है, सिक्योरिटी वाइज सही रहता है भाई ये सारी चीजें। भाई इस फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी मिलती है एंड 5000 के ऊपर की जो भी जितनी भी बैटरी मैंने आज तक नोटिस करी ना भाई बहुत तगड़ी चलती है। आपको पता है ये फोन भी तगड़ा बैटरी बैकअप देगा, क्योंकि उसके अंदर मीडियाटेक का हीलियो G35 है जो कि एक और ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है बैटरी के मामले में, तो सही चलेगा ये फोन आराम से।
लाइक इंडोर वीडियो रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा सही लग गया मेरे को इसके अंदर, एंड बोके भी काफी ज्यादा सही क्रिएट कर लेता है, जैसे इसको बैकग्राउंड में काफी सही बोके आ रहा है, एंड लाइटिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो काफी ज्यादा सही भाई ये पूरा क्रिएट कर रहा है, एंड वो प्लांट कितना ज्यादा हरा लग रहा है। सो एक कॉन्क्लूजन जो मैं दे सकता हूँ इस वीडियो का, पूरा एक निष्कर्ष आप लोगों को, वो ये हो सकता है कि ये फोन एक काफी ज्यादा अच्छा फोन है इस प्राइस रेंज से जो कि आ रहा है, और इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप लोग जाके वहां चेकआउट कर सकते हो। एंड भाई इस रेट के अंदर ये फोन काफी ज्यादा मेरे को तगड़ा लगा, तो बस चेकआउट करो मस्त से, और चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियोस तगड़ी तगड़ी और मिलने वाली हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, बाय।